रेडमी K30। हाँ गाइज, आप लोग पता है गाइज, रेडमी K30 की बहुत दिनों से लीक्स चल रही हैं। ओके, जिस फोटो में मैं आप लोगों को कुछ जो है फोन की जो ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन सामने निकल के, और सामने नहीं मतलब जो रेडमी है वो चाइना में एक उनकी वेबसाइट है वाइबो करके, तो उसमें पूरी बात वो बता दे रहा है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, मतलब ज्यादातर। तो इस फोटो में हम ये बात करने वाले हैं रेडमी K30 के बारे में, जो एकदम कन्फर्म्स बताने वाला हूँ आप लोगों को बात। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है, आज का वीडियो स्टार्ट कर। प्लीज, यहाँ पे जो रेडमी का K30 होने वाला है, ये एक बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है रेडमी की तरफ से। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन हमें इस फोन के अंदर देखने मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, देन लास्ट में आपको बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन में, तो डिजाइन में गाइज यहाँ पे हमें इस फोन में एक ग्लास बॉडी देखने मिलने वाली है, और बैक में हमें गोरिल्ला ग्लास भी देखने मिलने वाला है। तो डिजाइन वाइज आप बोल सकते हैं कि रेडमी का K30 जो है ना, एक बहुत बढ़िया डिजाइन हमें इस फोन में देखने मिलने वाला है। तो लुकिंग वाइज ना ये फोन बहुत ही अच्छा, कलर्स आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक में देखने मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं इस फोन के अब डिस्प्ले के बारे में गाइज, यहाँ पे मिलने वाला है 6.667 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले, 6.67 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले, जो आपको एक एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगा। ज्यादातर खबरें हैं कि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें एक आईपीएस पैनल मिलेगा, बट जो उसकी रिफ्रेशिंग रेट जो होगा वो 120 का होगा। तो मतलब ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा डिस्प्ले है। हाँ, एमोलेड से आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ डिस्प्ले इस फोन का जो है आपको अच्छा देखने मिलने वाला है। तो डिस्प्ले इस फोन में आपको, और हाँ इसमें हमें डुअल पंच होल मिलने वाला है, जैसे आपको डुअल सेल्फी मिलता है वैसे ही पंच होल टाइप वाला हमें इसमें जो है डिस्प्ले मिलेगा। तो आई थिंक फुल व्यू दे सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं दिया, बट हाँ कुछ अच्छा डिस्प्ले देखने मिल जाने वाला है। वहीं बात कर लेते हैं गाइस, इस फोन का प्रोसेसर हमें इस फोन के अंदर देखने मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमें स्नैपड्रैगन का रिसेंटली लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 765 5G, हाँ गाइस ये जो नया चिपसेट लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 765 65 5G, तो ये बहुत बढ़िया चिपसेट है। एंड ये चिपसेट एकदम नया है और बहुत बढ़िया स्पीड है इसकी, आपकी डेली टास्क तो छोड़िए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके देगा। तो चिपसेट के मामले में यहाँ पे रेडमी का K30 बहुत अच्छा होने वाला है, और ये परफॉर्मेंस इस फोन में आपको बहुत बढ़िया देखने मिल जाने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं कई इस फोन के कैमराज के बारे में, क्या कैमराज हम इस फोन के अंदर देखने मिलने वाले हैं। तो इसमें हमें क्वाड कैमरा जीरे में दिए हुए हैं, जो मेन कैमरा होगा वो 64 मेगापिक्सल कैमरा, बट ये सैमसंग का सेंसर नहीं होने वाला, ये होने वाला है सोनी का IMX686 का सेंसर, जो बहुत बढ़िया बात मुझे यहाँ पर लगी कि यहाँ पे आपको एक नया सेंसर दिया जा रहा है और अच्छा कैमरा होगा यार। अब देखते हैं पर्सनली उससे सैमसंग की G11 वाले से, उससे बेटर आपको यहाँ पे देखने मिल जाने वाली है कैमरा की क्वालिटी। वहीं बात करते हैं सेल्फी कैमरा बारे में, तो मैंने इसे बताया था डुअल, आपको डुअल पंच होल सेल्फी में यहाँ पे जो अभी तक लीक्स आ रही है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, जो जो मैंने आपको बताया वो कन्फर्म्स है, बट अभी ये जो नई लीक आ रही है इसके बारे में वो आ रही है कि यार यहाँ पे हमें डुअल पंच होल सेल्फी तो मिल रही है, यहाँ पे हमें हो सकता है कि हमें 20 और 2 मेगापिक्सल का एक सेटअप मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है वो तो बता देंगे, बट कंफर्म मैं बोल दूंगी नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में, क्या गाइस क्या बैटरी होने वाली है। तो इसमें आपको ये बात कंफर्म है कि इसमें 4500 mAh की बैटरी होगी और 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया बात मुझे यहाँ पे लगी। यूएं और बात करता हूँ, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा और ये MIUI 11 के साथ रन करने वाला है। एंड ये है पूरा रेडमी का K30, बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। और फाइनली प्राइस के बारे में बात करूँ, तो चाइना की जो प्राइस होने वाली है, बोला जा रहा है इसकी जो प्राइस होगी 2299 युआन की प्राइस होने वाली, मतलब वही 23,000 रुपये करीब चाइना में। अब वहीं बात करता हूँ इंडिया वेरिएंट के बारे में, तो इंडिया वेरिएंट में एक आपको चेंज मिलने वाला है, दो चेंज मिलने वाले, तो एक चिपसेट के बारे में। हाँ गाइज, यहाँ पे चाइना में जैसे बता आपको कि वहाँ पे स्नैपड्रैगन का 765 का जो नया चिपसेट आया वो मिलेगा 5G वाला, तो यहाँ पे आपको जो इंडिया में होगा उसमें स्नैपड्रैगन 730G यूज किया जाएगा, उसमें 5G नहीं होगा। तो ये आपको एक नया मतलब चेंज दिया गया है, ट्विस्ट आ गया है, तो ये आपको देखने मिलेगा। और इसको सब वैसे ही होगा, बस ये दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, प्रोसेसर चेंज है और वाई 5G नहीं मिलेगा, वो सेम होगा आपको इंडिया में। उसका प्राइस 20 से 22,000 होगा, तो आई थिंक ठीक ठाक है। एंड वहीं बात करता हूँ लॉन्च डेट के बारे में, तो ये 10 दिसंबर को चाइना में लॉन्च हो रहा है, इंडिया के अंदर ये आपको जनवरी के मंथ में देखने मिलने वाला है। तो आप लोग वेट करना चाहें तो इस बढ़िया से फोन के लिए वेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हमें दिए जा रहे हैं। ओवरऑल मुझे देखा जाए तो डिजाइन बहुत अच्छा लगा, डिस्प्ले अच्छा लगा, एंड बैटरी भी अच्छी है। तो बस आप देखिए कमेंट करके आप लोग इस फोन के लिए वेट करने वाले हो कि नहीं। तो वीडियो पसंद आई तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।